और फिर मैं आपको बताऊंगा भाई ये कंप्लीट हमें कितने रुपए की पड़ी कबूतर। दोस्तों भाई लेकर आया है फाइनली, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हो रहा था शाम का टाइम दोस्तों, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बारिश नहीं रुक रही सुबह से। अब थोड़ी बहुत देर के लिए बारिश हो गई तो मैंने कहा भाई चलो वीडियो बना लेते हैं। और आज की वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि दोस्तों आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें हम रखते हैं हमारे कबूतरों की मिक्स फीड भाई, जो कि हो चुकी है लगभग ख़त्म। अभी इतनी तो है कि अभी शाम को अपन दाना दे देंगे उनको, लेकिन भाई जो मिक्स फीड है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं और भाई दिन में लेकर आए थे, अब थोड़ी देर के लिए बारिश हो गई थी तो मिक्स फीड आप ये देखिए भाई, ये रखे हुए हैं गेहूँ और बाकी का आइटम ये रहा। और मैं बताऊंगा दोस्तों कि हम बारिश के टाइम में अपने कबूतरों को भाई मिक्स फीड में क्या देते हैं, तो सब कुछ मिक्स करके बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा कितने किलो लाए और कितने रुपए की आई, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी अपने कबूतरों के लिए बनाना चाहते हैं तो भाई ये मिक्स फीड आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितनी मिक्स फीड है अपन अपने कबूतरों को रख देते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा भूखे थे, उनको अपन दाना रख देते हैं। तो भाई ये रही अपनी पुरानी फीड, तो अभी हमने डिसाइड करा कि भाई कबूतर खोल लेते हैं, क्योंकि भाई सुबह इतनी तेज बारिश थी कि इनको अंदर ही दाना दिया था। तो अपन क्या करते हैं, हमने कबूतरों को खोल लेते हैं। पहले इस फीड को अपन यहाँ रख लेते हैं। तो भाई देखिए सब कबूतर आ जाएंगे बाहर, देखिए भाई आदि का दाना खाना शुरू करते हैं, ड्रिंकर बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें भी दे देता हूँ उस प्लेट में। तो भाई इसमें भी अपन ने प्लेट में भी रख दिया दाना, बाकी कबूतर इसमें खा लेंगे। सभी कबूतर बढ़िया दाना खा रहे हैं, इनको दाना खाने देते हैं। और उसी के साथ भाई ये देखिए आप, बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से पानी आ जाता है, तो ये देखिए आप यहाँ पानी जमा हो गया। बाकी सब तो फिर भी थोड़ी सी नमी हो गई है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, बाकी तो यहाँ पर सूखा हुआ है। हाँ ये क्यों नहीं बाहर आ रहा भाई, इनको भी बाहर निकाल देता हूँ। चलो ये भाई देखिए भाई सब अब चलेगा बाहर। तो भाई अभी देखिए पूरा आंगन गीला हो रहा है, हमने ये बिछाया है इस पे कि दाना भाई रख देंगे। अभी कल का नहीं पता दोस्तों कि कल तक अपन इंतज़ार करें और दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कहा भाई अभी बारिश रुकी है, अभी अपन इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और भाई तुम ऐसा करो, इसमें जितनी भी थोड़ी बहुत जो पुरानी मिक्स फीड बची है ना इसमें डाल दो, अपन बाद में मिक्स अलग से कर देंगे इसको। तो भाई ये देखिए आप जितनी मिक्स फीड बची है, ये थोड़ी बहुत तो है खैर, बाकी इसको थोड़ा झटकार दो, इसमें धूल हो रही है, फिर उसके बाद अपन मिक्स करेंगे। बाकी अपन इसको भाई साइड में रख देते हैं अभी। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम लोग लेकर आए थे भाई गेहूं, आप देख सकते हैं गेहूं की क्वालिटी भाई अच्छी है। ये देखिए आप भाई, बारिश में थोड़ा सा भाई ऐसा मैंने देखे थे उनके पास 3-4 तरीके के गेहूँ थे, लेकिन सब ऐसे ही हो रहे थे, तो हमें सबसे बेस्ट लगा तो भाई हमने ये वाला गेहूँ ले लिया था। तो भाई हम लेकर आए थे ये गेहूँ 40 किलो, और मैं आपको बताऊं भाई ये क्या रेट में लाए थे, तो हम 2700 रुपये किलो के हिसाब से लाए थे भाई ये 40 किलो, जो कि भाई हुआ अपना 1080 रुपये का। तो गेहूँ आया भाई 1080 रुपये का, बाकी क्योंकि भाई अपने कबूतर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से अपन ज़्यादा लाते हैं, कि भाई अपनी जो फीड है वो लगभग एक महीना तो चले। और भाई जो लास्ट फीड है, लास्ट महीने मंथ तो जो हम लोग लेकर आए थे वो भी भाई लगभग एक महीना चली है, लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा है कि ये जो फीड है भाई ये ज़्यादा चलेगी। उसका रीज़न ये देखिए आप भाई, ज़्यादा कबूतर है नहीं, गिने चुने बचे हैं, और अपने 13 या 14 कबूतर भाई सेल हो गए थे, इस वजह से भाई इस बार उम्मीद ये है कि फीड जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी, महीने भर से ज़्यादा चलेगी। तो भाई सबसे पहले अपन ने मिला दिया है भाई ये देखिए गेहूं, जो कि भाई अच्छा खासा गेहूं है। तो भाई इसके बाद अब मिलाएंगे, हाँ पहले थोड़ी इसमें बीच में जगह कर लो फिर भाई। उसके बाद हम मिलाएंगे भाई ज्वार, जो कि भाई हम ज्वार ज़्यादा नहीं दे रहे इस टाइम में, हम लेकर आए हैं भाई 40 किलो गेहूं है, तो उसके हिसाब से भाई ये 2 किलो हम ज्वार लेकर आए हैं, जो कि भाई हमें पड़ी है 90 रुपये की, 45 रुपये किलो, क्योंकि भाई ये हमेशा ज्वार भाई थोड़ी महंगी रहती है, पर भाई लेन का कबूतर शौक से खाते हैं, अपनी मिक्स मिला के देते हैं अपन इसको, तो भाई ये हम लाए थे 90 रुपये की 2 किलो, जो भाई मिक्स होकर इसमें भी दिखने लगेगी। और उसके बाद भाई हम लेकर आए थे बाजरा, जो कि भाई बाजरा तो कंपलसरी रहता है, बस गर्मियों में कम देते हैं, लेकिन भाई इस टाइम तो बाजरा देना ही रहता है कबूतर को। ये देखिए भाई बाजरा, क्योंकि भाई गर्म रहता है तो कबूतर और खाता भी बहुत शौक से। और भाई बाजरा हम लेकर आए थे अपनी 4 किलो, जो कि भाई बाजरा का यहाँ पर रेट है साफ सुथरी बाजरा का बिल्कुल 40 रुपये किलो भाई, जो कि हमें पड़ी 160 रुपये की। ये देखिए आपको, देखिए आप कबूतर आने भी लगे यहाँ पर खाने के लिए, इनको खाने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये 3 चीज़ें हो गई अपनी मेन चीज़ें भाई, ये तो मिलाना ही रहती हैं मिक्स फीड के अंदर। और उसके बाद भाई हम ऐड करेंगे इसके अंदर कबूतरों की सबसे फेवरेट चीज़, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, भाई ये भी डालेगा, दिखाओ भाई, ये देखिए आप भाई चने,
क्योंकि भाई कबूतर सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं, ये देखिए आप भाई। वो भाई चने हम लेकर आए थे सिर्फ आधा किलो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थोड़े से चने हैं, और चने भाई थोड़े से भी डाल दो ना तो फीड में बहुत सारे दिखते हैं, ये देखिए आप। और ये लाए थे भाई हम चावल, चावल भाई इतना ज़रूरी नहीं होता इस टाइम में, क्योंकि चावल थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन भाई हम ले आए थे, मैंने इतनी सारी फीड बनाना है तो थोड़ा बहुत तो भाई चावल चलता है। और चावल भाई हम लेकर आए थे 1.5 किलो, जो कि भाई चावल का प्राइस था 40 रुपये का, हमें 1.5 किलो मिला। ये देखिए भाई अच्छा चावल है, बिल्कुल साफ सुथरा, जो कि भाई कबूतर शौक से खाएंगे इस मिक्स फीड में जब भी मिल जाएगा। और भाई चने हम लेकर आए थे, मैं आपको बताऊं, आधा किलो हमें मिले थे 30 रुपये के, जो कि भाई 60 रुपये किलो है, तो हम 30 रुपये के लेकर आए थे। और जो थोड़े बहुत बचे हैं भाई वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो भाई ये देखिए आप, अभी इतनी सारी फीड अपनी तैयार हो गई है। और उसके बाद भाई आखिरी चीज़ जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए भाई, इसको बोलते हैं मोटी सरसों, जो कि भाई ज़्यादातर हम सर्दियों में मिलाते हैं, लेकिन अभी ठंडा मौसम हो गया है और कबूतर भी शौक से खाता है। तो भाई हम लेकर आए थे ये इतनी सारी, ये देखिए आप, ये भाई जो डाल रहा है, ये लाए थे हम 20 रुपये की, बहुत सारी आ गई थी, ये पूरे दाने में मिक्स हो जाएगी और कबूतर बहुत अच्छे से खाएंगे। क्या 50 किलो में इनफ है ये? हाँ काफ़ी है भाई, 20 रुपये की बहुत होती है। देखिए अभी पूरे हर दाने के पास ये आपको दिखेगी, छोटे छोटे दाने होते हैं जो भाई कबूतर बहुत शौक से खाते हैं। तो भाई ये थी हम मिक्स फीड जो हम कंप्लीट लेकर आए थे, इतनी चीज़ें भाई काफ़ी हैं अच्छी कबूतरों के लिए बारिश के टाइम में मिक्स फीड बनाने के लिए। तो अब भाई हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा भाई ये कंप्लीट हमें कितने रुपये की पड़ी कबूतरों के लिए मिक्स फीड। भाई ऐसा करो जो पुरानी फीड बची है ना वो भी इसमें मिक्स कर दो, वो भी साफ़ सुथरी है, क्योंकि डाल दो भाई इसमें। तो भाई ये देखिए भाई ने डाल दी है अपनी पुरानी मिक्स फीड, जो कि भाई ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी है भाई। ये भी ऐड कर देते हैं अपन, अच्छे से मिला देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सब भी कबूतरों ने अच्छे से दाना खा लिया, फिर मैं हम लोग यहाँ जब दाना मिक्स कर रहा है तो ये देखिए भाई आप, पूरे कबूतर यहाँ पर इकट्ठे हो गए और ये देखिए आप अच्छी अच्छी चीजें खाने लगे। भाई इनको हटाओ जल्दी, नहीं तो पूरे चने खत्म कर देंगे। देखिए भाई इनने इतने सारे चने खा गए जो ऊपर ऊपर दिख रहे थे, इनको भाई देखिए दूर चले गए। अब भाई अच्छे से अपन इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मिक्स फीड जो थी वो अच्छे से मिक्स कर ली थी भाई ने, और इस बार गेहूं की क्वांटिटी हमने खुद से बहुत ज्यादा रखी है, और अभी ये और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखो भाई अभी अच्छे से सारे दाने दिख रहे हैं, वैसे गेहूं भाई ज्यादा ही होना चाहिए। और ये देखिए भाई आप, अभी फिर आ गए कबूतर चने खाने के लिए, तो भाई इनको थोड़ा बहुत खाने देते हैं। और भाई जो है भाई अब इसको उसमें डाल रहा है जिसमें आप अपनी मिक्स फीड रखते हैं, ये देखिए आप, इसके अंदर भी हमने पन्नी बिछा दी थी कि भाई बारिश का टाइम है दाना नीचे से भाई सीढ़े ना नमी आ जाती है। तो भाई अच्छे से हम इसको डालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई आप देख सकते हैं इसका जितना भी सारा दाना था ना भाई हमने इसमें कर दिया, ये देखिए भाई आप लगभग ये फुल हो चुका है। तो भाई हमने क्या करा, अब ये थोड़ा सा दाना भाई बच गया, इसमें जगह नहीं बची, हमने सोचा नहीं था, हमें लगा था इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन भाई अभी ये जो है ना दाना है भाई बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, पन्नी में अच्छे से पैक करके रख देंगे, जब इसका काम हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई कुछ कहना चाहते हो? बस भाई यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ था आपने देख लिया, हम लोगों ने जो अभी बारिश की लास्ट बारिश की जो मिक्स फीड बनाई है, ये दोस्तों लगभग पूरी बारिश तक हमारी चल जाएगी आराम से चल जाएगी। 20-25 कबूतर हैं तो उसके हिसाब से 45 किलो, लगभग 45 से 50। अभी मैं बताऊंगा कितना किलो है, प्राइस भी बताऊंगा। और प्राइस अभी आपको पता चल ही जाएगा, 1500 के अंदर ही आई है या 1500? हाँ 1500 के अंदर आई। आप लोग आराम से ये 40-45 दिन की फीड बना सकते हो। बाकी दोस्तों कबूतरों के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी भाई दिन में एक बार दाना देते हैं, काफ़ी भाई सिर्फ बाजरा देते हैं। अब अपने पास हैं फैंसी पिजन्स और सारे के सारे भाई जिसका जैसा बजट हो ना, ब्रीडर्स हैं तो दोस्तों दिन में 3 बार दाना देना पड़ता है, और उसके साथ हम लोग जो चीज़ देते हैं वो तो दिखा दो भाई, ला रहा हूँ मैं, इससे अपने बच्चे इतने हेल्दी और इतने अच्छे हो रहे हैं, तो वो चीज़ भी तो दिखाओ दोस्तों। भाई लेकर आया है फाइनली, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये, इसको भाई थोड़ा सा हाथ में निकाल के दिखाओ क्या है भाई। ये गाय है, वो हमारी पूरी ग्रेट खा जाती है जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है, और कुछ दिन पहले इसने फिर से पन्नी फाड़ दी थी। अभी ये कुछ दोस्तों ऐसी दिखती है, अब आप बोलोगे ये क्या है। दोस्तों जिनके पास मुर्गियां पली होंगी या मुर्गी फार्म होगा उन्हें भाई ये पता होगा ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये है भाई ग्रेट, और इसको स्टार्टर फीड बोला जाता है। ग्रेट तो भाई अलग होती है, लेकिन हम लोग इसको ग्रेट बोलते हैं। तो किसी भी पेट शॉप जहाँ पर दाना मिलता हो वहाँ पर दोस्तों आपको ये ईजिली मिल सकता है। दिन में आपको कुछ नहीं करना, जब भी दाना दो, दिन में नहीं शाम के टाइम, हम लोग क्या करते हैं रात में, रात के टाइम कबूतरों को ये दाने में थोड़ी सी मिक्स करके देते हैं, अलग से एक लिमिट में देना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी एक प्लेट में रख देते हैं। तो दोस्तों जो ब्रीडर हैं वो खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, जो जैसे कि आपने देखा होगा जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ते हैं फार्म पर, तो फार्म पे दोस्तों यही खिलाया जाता है जिससे उनका साइज़ बढ़ता है। ये अपन देते हैं कबूतरों को, जो ब्रीडर हैं वो फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं।
तो साइज उनका भी भाई काफी तेजी से और काफी अच्छा और काफी हेल्दी कबूतर होता है। अपन ये बहुत टाइम से खिला रहा है, अपना भाई रिजल्ट लास्ट टाइम देख ही लिया था। हाँ, लास्ट टाइम भाई काफी अच्छी बच्ची थी और ब्रीड भी अच्छी हुई थी। हम चाह रहे थे आपको पहले बताएं, लेकिन हमने कहा भाई पहले रिजल्ट दिखा दें, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है मतलब भाई। तो ये आप भी अपने कबूतरों को दे सकते हैं दिन में एक बार। और भाई इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, 40-50 रुपए किलो आती है। दो किलो आपकी एक डेढ़ महीने दो महीने चल सकती है, आपको लिमिटेड देना है रात के टाइम दिन में जब भी आपका वो कबूतर भाई बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, दाने से ज़्यादा शौक से इसको खाता है। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ यही खिला, उसको लिमिटेड देना और दाने के बाद देना। तो चलिए भाई मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी जो टोटल फीड है भाई कितनी पड़ी और कितने किलो है। तो भाई सबसे पहले तो गेहूं ले लेते हैं अपन, 40 किलो था जो कि भाई आया था 1,080 रुपये का। और उसके बाद भाई 4 किलो बाजरा थी जो कि भाई आई थी 160 रुपये की। और भाई 2 किलो ज्वार थी जो कि भाई आई थी 90 रुपये की। और चावल थे जो कि भाई आए थे 1.5 किलो अपने आए थे 40 रुपये के। और जो भाई चने थे जो कि आधा किलो थे वो आए थे भाई 30 रुपये के। और आखिरी चीज़ थी भाई मोटी सरसों जो कि भाई कहीं भी मिल जाएगी दुकान पे, वो आई थी भाई 20 रुपये की, बहुत सारी भाई ने दे दी थी। तो भाई कंप्लीट हमें दाना पड़ा भाई 1420 रुपये का, जो कि भाई आपने खुद देखा कितना सारा है। और मैं आपको काउंट करके बताऊँ भाई टोटल कितने किलो है। तो भाई ये है अपना लगभग भाई, इसको आप मान लो 50 किलो दाना अपना तैयार है, 48 से 50 किलो भाई दाना बिल्कुल तैयार है। तो आप भी अपने कबूतरों को दे सकते हैं बारिश के टाइम में। ये देखिए भाई हमारे सभी कबूतरों ने अच्छे से दाना भी खा लिया, मिट्टी भी खा ली, क्योंकि भाई बारिश नहीं हुई तो इन्हें घूमने को मिल गया। अब इनको क्या करते हैं भाई, अपन कर देते हैं बंद। आप ये देख सकते हैं हमने सभी कबूतरों को अंदर कर दिया था जो कि भाई बढ़िया दाना खा रहे हैं। और ये फीड को भी अभी हम रख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।